किन्नौर जैसे शांत माहौल में लूट की घटना का मामला सामने आया है। रिकांगपियो के साथ लगते कोठी गांव के बीच में एक स्थानीय राहगीर से चार युवक, जिसमें से तीन नकाब पहने थे, उन्होंने नगद राशि व मोबाइल छीनकर फरार होने का मामला पेश आया है। पुलिस को दी गई शिकायत में रघुवीर नेगी निवासी कोठी ने कहा कि घटना शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे की है। वे अपने घर कोठी जा रहे थे कि पंचायत घर के समीप चार युवक उनसे उलझे व 8,000 नगद राशि व मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। कोठी मंदिर के पास गेट में लगे सीसीटीवी फुटेज में चार युवक रघुवीर नेगी के पीछे दिख रहे हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली है। घटना की सूचना पूर्व उप प्रधान दयाल नेगी ने पुलिस को दी। वहीं रघुवीर नेगी ने भी पुलिस को लिखित शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों में खासा रोष है। बता दें कि इन दिनों जिला में सेब सीजन का दौर है, ऐसे में बागवान व अन्य देर रात तक काम में व्यस्त होते हैं व नगद राशि भी साथ होती है। किन्नौर कांग्रेस प्रवक्ता कुलवंत नेगी व पूर्व उप प्रधान कोठी दयाल नेगी ने कहा कि किन्नौर जैसे शांत माहौल में लूट की घटना खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि देर रात को कुछ युवकों को सीसीटीवी फुटेज में देखा भी गया है। घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस चारों युवकों को पकड़ नहीं पाई है। जो कोठी पंचायत के अंदर एक बहुत ही घिनौना हरकत, बहुत ही संवेदनशील घटना घटा है, उस बारे में मैं आप सबके बीच में आया हूं। अभी हाल ही में शुक्रवार के दिन कोठी पंचायत में एक किसान के साथ, जो रात को करीब 10:30 बजे अपने घर की तरफ जा रहे थे, तीन नकाबपोश युवकों द्वारा और साथ में एक जो अन्य व्यक्ति उनके साथ है जिन्होंने नकाब नहीं डाला है, चार लड़कों ने उनके पीछे पीछे आके रेकी किया और कोठी गांव में जाकर उनके साथ जो है मारपीट किया और साथ में उनके जेब से 8,000 रुपये निकाल कर और साथ में मोबाइल भी छीना गया। और इस बात की घटना की जब हमारे स्थानीय युवा दयाल नेगी को इस बारे में पता लगा, इन्होंने पुलिस को कॉल किया। रात को पुलिस भी वहां पर आई, लेकिन आज चौथा दिन होने के बाद भी वो जो है अभी भी जो है गुनहगार जो है पुलिस की पकड़ से बहुत दूर है। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जिला किन्नौर के अंदर आए दिन इस तरह की घटनाएं घटी जा रही है, बहुत ही निंदनीय घटना है। पुलिस के मात्र 200 या 300 मीटर की दूरी पर, थाने से 200 या 300 मीटर की दूरी पर इस तरह घटना घटने के बाद, सीसीटीवी के फुटेज आने के बाद भी आज जो गुनहगार भार है, इससे आप समझ सकते हैं कि उनके जो मनोबल है बहुत आगे बढ़ गया होगा। हम जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि समय रहते उनके जो सीसीटीवी फुटेज पकड़ा गया है, उनको मिला है, उसे सही से खंगाला जाए और गुनहगारों को जो है समय रहते उनको जो है सलाखों के अंदर किया जाए। अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा घटती गई तो देवभूमि में और जिला किन्नौर में जो है, जो बाहर यूपी बिहार में जो सिस्टम होता है, वो यहाँ पर भी पनपना शुरू हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ की जो हमारा एक माहौल जो है शांत नुमा माहौल यहाँ रहता है, वो बरकरार रहे और गुनहगार को जो है सख्त से सजा मिले। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए रिकांगपियो से जीता सिंह नेगी की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।